उसीरी के लक्षण क्या होते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केलकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त सकती हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स के क्या लक्षण होते हैं, तो आपको दिखेगा कि आपके आजू बाजू में जो लोग हैं ना उनमें से कुछ लोगों में ऐसे लक्षण ऑलरेडी दिखेंगे कुछ ना कुछ प्रमाण में। वो उनके पर्सनैलिटी का पार्ट हो जाता है, मगर वो जब ज्यादा हो जाता है तो उसको बीमारी कहते हैं। अब कौन से ऐसे लक्षण हैं जो सर्वसामान्य लोगों में भी दिखाई देते हैं, वो एक उनके पर्सनैलिटी का पार्ट है और फिर वो उसको कि यदि आगे बढ़ावा दिया तो वो बीमारी बन जाती है, ऐसे कौन से लक्षण है। तो वो वर्ड में आपको मालूम पड़ेगा कि ऑब्सेशन, ऑब्सेशन जो है मतलब बार 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 कोई भी विचार आना, बार 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 विचार आना, बार 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 चित्र सामने दिखाई देना, बार 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 कोई इमेजेस दिखाई देना, ऐसा ये लोगों में होते रहता है। ये लोगों की यदि हिस्ट्री आपने देखी, इतिहास ये लोगों का, तो मालूम पड़ेगा ये लोग बहुत साफ सुथरे रहते हैं, नीट एंड क्लीन, उनकी चीजें सब बराबर टाइम टू टाइम समय समय पे दिखेंगी और जहाँ दिखना चाहिए वहीं दिखेंगी, क्लीनलीनेस एक्सट्रीम। इनके घर में आप जाओ तो मालूम पड़ेगा ये ऑब्सेसिव आदमी है। ये लोगों का जरा इतना मतलब रहता है क्लीनलीनेस की, एक के बदले वो दो बार हाथ धोएंगे, मगर जब बढ़ जाता है तो फिर प्रॉब्लम होता है। जब ऑब्सेशन इतना ज्यादा कुछ लोगों को हो जाता है कि उनको लगता है कि अपने हाथ गंदे हैं तो वो बार 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 हाथ धोएंगे, इतना कि एक एक साबुन की टिकी जो है वो पूरी एक दिन में खत्म हो जाएगी, एक एक ड्रम पानी खत्म हो जाएगा, तभी इनका ऑब्सेशन जो है कि मेरे हाथ गंदे हैं वो निकलता नहीं है, वो बार बार हाथ धोना ही चालू रखते हैं। इनका स्नान करना, एक एक दो दो ड्रम पानी निकल जाता है, स्नान करते रहते हैं बार बार। उनको जो ऑब्सेशन ऑफ कंटेमिनेशन बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन दिखाई देता है और उनमें वो दिखता है कि भाई साफ़ सुथरा रखना, घर साफ सुथरा, कपड़े साफ सुथरे रखना, और खुद के भी नहीं बाकी सब लोगों को जबरदस्ती करके कि साफ सुथरा रहो, क्योंकि वो खराब हो चुका है, गंदा हो चुका है। फिर इनके दिमाग में इमेजेस बाकी जो आते रहते हैं वो भगवान के खराब इमेजेस, भगवान के बारे में सेक्स के विचार, फिर बार 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 बार। एक अभी हमारे यहाँ हमको डॉक्टर मिले, उनको प्रॉब्लम था कि मेरा चश्मा जो है वो बराबर नहीं है, तो बार बार चश्मा निकालेंगे रखेंगे, चश्मा निकालेंगे रखेंगे, और उनको लगता है कि ये बराबरी नहीं है, ये यहाँ टोच रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, तो वो निकाल के रखेंगे बाजू रख के, फिर वो काम करेंगे, फिर लगाएंगे, बार बार वही विचार आता है। तो कोई लोगों को बोल्ट बार बार किया है कि नहीं किया, लॉक लगाए कि नहीं लगाए बराबर, पूजा हुई कि नहीं बराबर, दो दो तीन तीन घंटे पूजा करते रहते हैं, और एक आधा विचार अंदर घुस गया निगेटिव, तो वही विचार फिर चालू हो जाता, विचार चालू है और वो रुकता ही नहीं। उनको ये मालूम है कि विचार निरर्थक है, उसमें कोई अर्थ नहीं, मतलब नहीं है, मगर वो विचार रोक सकते नहीं है। फिर होता क्या है कि कुछ समय बाद में वो विचार रुक जाएंगे, भाई कि भाई ये कंटेमिनेशन है, हाथ खराब है, ये रुक जाएंगे विचार, इसलिए फिर जाके वो हाथ धो लेते हैं। फिर हाथ धोने के बाद में फिर लगता है कि नहीं धोए नहीं, फिर बाद में हाथ धोना, फिर विचार आना, फिर हाथ धोना, उसमें ही लग जाते। फिर सोचते कि नहीं तीन बार हाथ धोएंगे तो एक बार गिनेंगे, फिर तीन बार हाथ धोएंगे तो एक बार गिनेंगे, ऐसे तीन बार करेंगे। उनको कपड़े के बारे में ऐसी भ्रम रहता है कि उनके कपड़े गंदे हैं, और फिर ये लोगों का किससे पट्टा नहीं है, क्योंकि उनको बहुत टाइम टाइम होना, क्लीनलीनेस होना, घर में वो झंझट करेंगे बार 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 बार। सेक्स के बारे में जब समझो पत्नी को ऐसा हो गया, पति को ऐसा हो गया, तो सेक्स उनका होगा नहीं, फिर हस्बैंड वाइफ के सेक्सुअल प्रॉब्लम्स चालू हो जाते हैं कि उसको लगता है कि सेक्स है ना गंदा है और वो करना नहीं चाहिए, फिर वो ओसीडी वाला पेशेंट सेक्स भी नहीं करता है। तो इस तरह के उनके विचार चालू रहते हैं। ये इनको मालूम है कि इलॉजिकल है, इरेशनल है, मगर वो बोलते कि मेरे से रहा नहीं जाता, वो विचार ऑटोमेटिक आते हैं, ऑटोमेटिक। इसलिए हम बोलते कि ऑटोमेटिक थॉट मशीनरी जो है ब्रेन, वो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स है, ऑटोमेटिक इलॉजिकल थॉट्स एंट एंट पैदा करती है और वहीं से प्रॉब्लम चालू होता है। ये जो लोग हैं इनको SSRI सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिअप्टिक इनहिबिटर, ये गोली से फायदा बहुत होता है। वैसे क्लोमिप्रामिन टैबलेट उससे भी फायदा होता है। हम इनको साइकोथेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, हिप्नोथेरेपी से अच्छा करते हैं और काफ़ी लोगों को रिलीफ मिलता है और काफ़ी दिन तक दवाई लेनी पड़ती है। इसमें एक ही है कि लोगों को सामना करना पड़ता है घर के लोगों से पहले, क्योंकि घर के लोग ही डॉक्टर के पास में लाते, नहीं नहीं इतना हाथ धोने की जरूरत नहीं है, ख्याल मत दिया कर, मतलब घर के लोग सलाह देने वाले बहुत रहते हैं और फिर वो सलाह डॉक्टर की लेते नहीं है, बीमारी बढ़ते रहती है। पहले साल दो साल कैसे के मालूम भी नहीं पड़ता है और बाद में फिर जब ज़्यादा हो जाता है और घर के लोगों को तकलीफ होती है तो फिर वो आते हैं।
तो ये बीमारी ठीक हो सकती है, अर्ली इलाज होना जरूरी है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करो। आप हमें ऑनलाइन कंसल्टेशन वीडियो कॉल करके कंसल्टेशन ले सकते हैं, हमारे नंबर्स नीचे दिए हुए, हमारा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारा जो मकसद है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य व्यसन मुक्त भारत, इसमें हमारे पार्टनर बनिएगा। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।